विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संघमित्र धम्म सेवा महिला मंडल वाशिम और नारी शक्ति अभियान और सहयोग फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब मैदान पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर पर लिम, पीपल, बर्ड, बेल सहित कई पेड़ लगाए गए। सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता वसंत इंगोले तथा ज्येष्ठ समाज सेविका प्रतिभा राम प्रभु सोनो ने इनके मुख्य उपस्थिति में इस कार्य को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में वाशिम नगर परिषद के मुख्याधिकारी वसंत इंगोले, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला महासचिव सोनाजी इंगड़े, हेमंत ताइड़े, कांस्ट्राइब यूनियन के अध्यक्ष हेमंत ताइड़े, कांस्ट्राइब कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद राजगुरु, पत्रकार अजय धवले, संदीप डोंगरे उपस्थित थे। देवकाबाई खड़से और ताईबाई वानखड़े ने इस पेड़ को जीवित रखने की जिम्मेदारी ली है। इस समय वृक्षारोपण के संदर्भ में प्रतिभा सोनो ने इन्हें मार्गदर्शन किया और साथ में सहयोग फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता वसंत इंगोले के द्वारा पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में आज पर्यावरण दिवस पर पृथ्वी और पर्यावरण को संतुलित करने की सामूहिक शपथ ली गई। इस कार्यक्रम में कई नागरिकों ने सहभाग लिया। बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। झाड़े जगूया, पर्यावरणाचा रास थांबूया। आज आपण पर्यावरण दिन साजरा करत आहोत, त्याविषयी आपण इथे एक पर्यावरणाचं रक्षण करण्याकरिता आपण इथे एक शपथ घेणार आहोत। मी प्रतिज्ञा करते की मी माझे घर व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवेन, निसर्गाशी संबंधित पृथ्वी जलवायू अग्नी व आकाश या पंचतत्वावर आधारित पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे माझी वसुंधरा स्वच्छ व सुंदर हरित पर्यावरण पूरक राखण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे। 5 जून आज पर्यावरण दिन, या पर्यावरण दिनानिमित्त मी सर्वांना शुभेच्छा देते। त्यासोबतच या पर्यावरणाचं रक्षण कसं करावं आणि त्याचा रास आपण कसा रोखावा हे आपण याची पण काळजी घेतली पाहिजे। आज आपण पाहिलं की कोरोना काळामध्ये पण ऑक्सिजनची किती आवश्यकता आहे, त्यानुसार आपण जास्तीत जास्त आपण आम्ही इथे कडुनिंब, वड, पिंपळ हे झाडं लावलेले आहे आणि याची ज्याप्रमाणे आपण इथे झाडं लावतो त्याप्रमाणे आपण याची काळजी पण घेतली पाहिजे। तर आम्ही यांचं संवर्धन करण्यासाठी ह्या आमच्या काकू आहेत, ताई आहेत, त्या बाजूलाच राहतात, यांनी जबाबदारी घेतली आहे की आम्ही या झाडाची योग्य प्रकारे काळजी घेऊ।